तथागत बुद्ध ने अनेक बौद्ध संघ की स्थापना की। इन्हें विहार कहा जाता था। संघ में सभी जाति के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति थी। ये अत्यंत सादा जीवन जीते थे, भिक्षा मांगकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, इसलिए भिक्षु या भिक्षुणी कहलाते थे। बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग, नंबर एक सम्यक दृष्टि, सत्य असत्य पाप पुण्य आदि के बारे में समझना। नंबर टू सम्यक संकल्प, इच्छा और हिंसा के विचारों का त्याग करना। नंबर थ्री सम्यक वाणी, सत्य और विनम्र वाणी बोलना। नंबर चार सम्यक कर्म, सदा सही और अच्छे कार्य करना। नंबर पाँच सम्यक आजीव, जीविका के उपार्जन हेतु सही तरीके से धन कमाना। नंबर छह सम्यक व्यायाम, बुरी भावनाओं से दूर रहना। नंबर सात सम्यक स्मृति, अच्छी बातें तथा अच्छे आचरण का अनुसरण करना। नंबर आठ सम्यक समाधि, किसी विषय पर एकाग्रित होकर विचार करना। सरल और प्रभावी उपदेश के चलते बौद्ध धर्म देश विदेश में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। बौद्ध धर्म और अष्टांगिक मार्ग के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।